हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, कितने लोग मान लिए थे मैम नहीं आएंगी भाई, क्योंकि मैम 5 मिनट तो लेट नहीं होती हैं। बहुत होता तो 1 मिनट होती हैं, ठीक है 2 मिनट होती हैं, आज तो 5 मिनट लेट हो गई। सेटअप कर रहे थे यार, सेटअप करते करते टाइम लग गया। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वन शॉट में आज कंप्लीट करेंगे, टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, शुरू में ही बता दे रहे हैं, जो लोग जेन्युइनली इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं क्लास में रहेंगे। जिनको वाकई मन नहीं है बिल्कुल भी कि मैम एम ही आ गए, तो बेटा क्लास में नहीं भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी क्लासेस पढ़ेंगे। मेरी कल की क्लासेस पढ़ी, वहाँ चैट कर लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम योर नीट बायो एडुकेटर। मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आई एम माई सेल्फ ए नीट रैंकर। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, तो डेफिनेटली आपकी जर्नी मेरी जर्नी बहुत सिमिलर रही है। ठीक है, कुछ दिन में आप भी मेरी जर्नी जैसे ही जर्नी जी कर डॉक्टर बनोगे और अपने जूनियर्स को बता रहे होगे ये चीज़। तो अभी आपके प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है तैयारी में, उनको हैंडल करने में, उनको सॉल्व करने में मैं आपकी डेफिनेटली बहुत सारी मदद कर सकती हूँ। ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेंगे अगर आप उसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो बस मेरा नाम याद रखना है, डॉक्टर साक्षी बरनवाल, एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। ओके, हाउ इज द जोश? नहीं रो मत भाई, आपको ही पता है बहुत कोई बड़ी बात हो जाती है, बिल्कुल भी हालत नहीं होती तो ही मैं नहीं लेती हूँ क्लास। आज भी सच बताऊं तो आफ्टर फास्टिंग मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी आज क्लास करने की, बट नहीं यार, अब टाइम इज वेरी 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 क्या कहेंगे आपके लिए क्रूशियल, उसको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बस जस्ट प्रे कि मैं बीमार ना पड़ूं। ठीक है, चलो आज का क्लास करते हैं, अभी बाकी की बात छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी लैंग्वेज लैंग्वेज मत लड़ो। मैं इंग्लिश में भी बात करी हूँ, मैं हिंदी में भी बात करी हूँ, डोंट वरी। हु आर एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश दे विल अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। जिनको हिंदी में समझ में आ रहा वो हिंदी में समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हमने थोड़ा सा जो पॉइंट था वो कल के चैप्टर में समझा था। लिविंग वर्ड जब हमने इंट्रोड्यूस किया था तो क्लासिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका नोमेनक्लेचर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि उनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इन टू डिफरेंट ग्रुप्स दैट रिफ्लेक्ट देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर एंड रिलेशनशिप, इसी को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हो गया था, क्योंकि आपको भी पता है कितनी मिलियन स्पीशीज हमने डिस्कवर की और कितनी मिलियन बाकी हैं। ठीक है, अगर हम इतनी सारी स्पीशीज को एक ही ग्रुप में पढ़ने लगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, एक एक चीज के बारे में पढ़ने लगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इनको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। ठीक है, एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, एंड कैन एनीवन टेल मी कि कौन सा क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था? एनीवन जल्दी से बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, रोज एकदम सही डेफिनेशन लिखे हो बेटा। न्यू नीट एस्पायरेंट के लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगी बच्चा, ठीक है डोंट वरी। ठीक है एनीवन, हाँ प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था, अनीमिया एंड इनीमा, वेल वेरी गुड। ठीक है, जिसमें रेड ब्लड था, जिनमें रेड ब्लड नहीं था, राइट वेरी गुड। इन्होंने पहले प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया। ठीक है, प्लांट में इन्होंने तीन कैटेगरी बनाई, हर्ब श्रब और ट्री, सबसे छोटे प्लांट, उससे बड़े प्लांट और सबसे बड़े बड़े ट्रीज। ऐसे ही एनिमल में इन्होंने रेड ब्लड और जिनका रेड ब्लड नहीं था, इस तरह से कुछ क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था जो किसी भी चीज को बेसिस बना गया था, कोई एज सच बेसिस नहीं था, उन्होंने एक ही फीचर लिया और उसी को पकड़ के क्लासिफाई कर दिया। बट ये आपके एक्सेप्ट नहीं हुआ कि इस तरह हम कैसे क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद समझ में आया कि भाई जब इन्होंने क्लासिफाई किया तो लोगों को समझ में आया कि यार नीट तो है, भले इन्होंने सही किया गलत किया कुछ भी किया, बट नीट तो बहुत है, जरूरत है क्लासिफिकेशन करने की। तो लोगों ने समझा कि अगर क्लासिफाई करेंगे तो एक या दो ऑर्गेनिज्म पढ़ना आपके सफिशियंट नहीं होता है। अगर एसेंशियल ग्रुप स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट सफिशियंट टू नो द एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, तो सारे फीचर्स को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन वन लोकेलिटी, एक जगह पे सारे ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते, कि जैसे अब आप हिमालयन रीजन पे हो, ठीक है, आप ट्रॉपिकल रीजन पे हो, आप टेम्परेट रीजन पे, हर जगह एक ही तरह का जानवर नहीं मिलेगा, एक ही तरह के आपके प्लांट्स नहीं मिलेंगे, सबकी एडाप्टेशन अलग अलग है, सब अपनी अपनी जगह अपनी एडाप्टेशन के कारण ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए एक लोकेलिटी में सारे ऑर्गेनिज्म मिल भी नहीं सकते। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने का मौका मिलेगा, ठीक है, उनको फाइलोजेनी समझने में मौका मिलेगा, उनका क्या एक दूसरे से रिलेशन है ये समझने का मौका मिलेगा, एंड डेफिनेटली द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनी जो मैंने कहा कि कैसे वो इवॉल्व किए हैं, ठीक है। कल ही मैंने एक एग्जाम्पल क्या दिया था आर्कियोप्टेरिक्स का, जो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक था, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सेटअप करने में मदद करते हैं बाय देयर फीचर्स, इसीलिए क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। पहला जो क्लासिफिकेशन प्रॉपर आया दैट वाज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, वही इंसान जिन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था, दैट इज कार्लस लीनियस, जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनमी सिस्टम कहते हैं। इन्होंने दो पार्ट में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा 1758 में, और इन्होंने क्या दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिंपल सा एक प्लांट ही बना दिया, एक एनिमिलिया बना दिया, बहुत हद तक ये एरिस्टोटल वाली बात फॉलो कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने बहुत सिंपल सी चीजें रखी, बट प्लांट और एनिमल्स में बांटने के बाद देखा गया बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स दिखे। क्या ड्रॉबैक दिखा, सबसे बड़ा डीमेरिट था कि जो आपके पहले ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले बने थे, जो हम प्रोकैरियोट्स आज के जमाने में बोलते हैं, वो ना ही प्लांट में फॉलो करते हैं ना ही वो एनिमल्स में फॉलो करते हैं, अब उनको डाले कहाँ, तो उनके लिए जगह ही नहीं बची, राइट। दूसरी प्रॉब्लम आया कि फंगी जो है, जो कि हेटरोट्रॉफ है, ठीक है, हेटरोट्रॉफ तो नहीं कहेंगे, सैप्रोफाइट है, ना ही हेटरोट्रॉफ है ना ही ऑटोट्रॉफ है, समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको डाला कहाँ जाए, ना इनका कहीं स्ट्रक्चर सिमिलर है, ना इनकी फिजियोलॉजी किसी से सिमिलर है, ना इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहीं भी सिमिलर है, तो इनका प्लेस भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्या दिया गया कि यूनिसेल्युलर एल्गी जो थे, ठीक है, जैसे डाई एटम हुआ, यूग्लिनॉइड्स हैं, ये एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे थे, बट इनको कहाँ डाला जाए ये भी नहीं क्लियर हो रहा था कि किस एरिया में इनको डिवाइड किया जाएगा। दिस क्लासिफिकेशन डिज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक फंगी एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, क्योंकि फंगी को कोशिश की गई कि चलो प्लांट के साथ ही डाल दिया जाए, बट वहां पे वो चीज फॉलो नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो टू किंगडम में बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी, बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। हाँ, इसके बाद अर्नस्ट हेकल आए, इन्होंने प्रोटेस्टा दिया जो आपको नहीं पढ़ना है सच, ठीक है। इसके बाद फाइनली यूग्लिना की पोजीशन नहीं समझ आती, यूग्लिना क्यों प्रॉब्लमेटिक है, व्हाई स्पेसिफिकली यूग्लिना, जैसे फंगी ना ही हेटरोट्रॉफ बनता है ना ही ऑटोट्रॉफ बनता है, वैसे ही यूग्लिना दोनों है, ठीक है, दोनों है, क्या है दोनों, इसमें यूग्लिना आपके ऑटोट्रॉफ भी बन सकता है और हेटरोट्रॉफ भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो भाई बोला एनिमल किंगडम बोला भाई मे में डाल दो, प्लांट किंगडम कह रहा है मेरे में डाल दो, अब दोनों में ही नहीं डाल सकते क्योंकि दोनों के ही फीचर्स उसके पास है, राइट, तो इनकी प्लेस भी कहीं भी सिस्टम में अट नहीं रही थी, ठीक है। चलो, फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, किसने दिया था फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन, फटाफट बताओ, हु गेव दी फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। हाँ, फंगी हेटरोट्रॉफ हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी सैप्रोफाइट्स वाले कैटेगरी में आते हैं बच्चों, ठीक है। आर एच विटेकर ने दिया था, किसने दिया था बच्चों, आर एच विटेकर में। एक था बेटा, जब आप आगे और भी ज्यादा वास्ट टर्म में पढ़ोगे तो हेटरोट्रॉफ और सैप्रोफाइट को आप अलग करोगे, ठीक है, अभी हम लोग बोल देते हैं क्योंकि आपका ऑटोट्रॉफ है और हेटरोट्रॉफ है, मेजर नहीं, यही डिवीजन हम मानते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। चलिए, आर एच विटेकर ने 1969 में, ईयर याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है ईयर भी, ठीक है, 1969 में आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला, जिसमें इन्होंने पांच किंगडम बताए, कौन सा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, पांच किंगडम बताए। अब इन्होंने जो डिवीजन किया वो एक फीचर पे नहीं किया था, बहुत सारे फीचर को कंसिडर करके किया था, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने पांच किंगडम बनाए। कौन कौन से फीचर थे आइए देखते हैं। पहला था सेल का स्ट्रक्चर, कैसा सेल है,
किसमें सेल मेम्ब्रेन है, किसमें सेल वॉल है, किसमें सेल वॉल की भी एक कवरिंग है, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेल का स्ट्रक्चर इन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा ऑटोट्रॉफ है, कौन सा सैप्रोफाइट है, कौन सा हेटरोट्रॉफ है, ये सारी चीजें ध्यान देके इन्होंने डिवाइड किया इनको। थर्ड वाज थैलस फॉर्मेशन, किसमें ट्रू बॉडी है, किसमें थैलस फॉर्मेशन हो पा रहा है, ठीक है, किसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, कौन एडवांस्ड बॉडी है, ये सारी चीजों को इन्होंने कंसिडर किया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, विच ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग एसेक्सुअली, कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, ठीक है, कौन सा फेज उन पे ज्यादा देर तक चल रहा है, कौन सा डिपेंडेंट फेज है, कौन सा इंडिपेंडेंट फेज है, ये सारी चीज को इन्होंने ध्यान में रखा। एंड फाइनली फाइलोजेनी, ठीक है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये चीज सुपर इंपॉर्टेंट है कि इवोल्यूशन हिस्ट्री उनकी कैसी रही है, ये सारी चीजों के यानी पांच मेजर ऐसे क्राइटेरिया थे जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। फाइव किंगडम फाइव क्राइटेरिया, ये याद रखना, ठीक है, फाइव किंगडम एंड फाइव क्राइटेरिया, ओके, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, यस, इज इट क्लियर, चलो। हाँ, आपके बुक में जनरली मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और फाइलोजेनी ही है, रिप्रोडक्शन को साइडलाइन किया है, बट अगर हम ढंग से विटेकर के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन भी इंक्लूड किया था उन्होंने, ठीक है, चलो आप आपके एनसीईआरटी में मानती हूँ, तो अगर आपके वो क्वेश्चन आएगा तो ये पांच फीचर आपको याद रखने, इससे हट के कुछ नहीं आना है, ठीक है, आ जाओ। फाइव किंगडम में क्या है, पहला मोनेरा, मोनेरा में इन्होंने क्या डाला, सारे प्रोकैरियोट मोनेरा में बुक हो गए। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर थे, कैसे थे बच्चों, यूनिसेलुलर थे, एक ही सेल से बने हुए थे, ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम लाइफ अर्थ पे आई थी तो इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स इतने कह सकते स्ट्रांग हैं, इतने एडेप्टिव हैं कि आज के इन्वायरमेंट में भी सस्टेन कर रहे हैं, सोचो कितने लाखों साल पहले वो बने थे, करोड़ों साल पहले वो बने थे और आज भी दे आर एग्जिस्टिंग, इतने साल में तो कितनी स्पीशीज बनी है, कितनी खत्म हो गई, कितनी नई आ गई, कितनी इवॉल्व कर गई, लेकिन दे आर स्टिल देयर, राइट, इतना स्ट्रांग है इनका एडेप्टेशन, ठीक है, चलो। इसमें आपके यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है, चलो। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा आएगा तब, इसमें क्या थे, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, रोज जब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी बेटा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जब आपको चार ऑप्शन में एक ऑप्शन निकालना होगा तब आप रिप्रोडक्शन को सबसे कम अहमियत देंगे, ठीक है, कई बार आपको एनटीए ऐसे क्वेश्चंस देता है जिसमें आपको सारे ऑप्शन सही लगते हैं लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो आपको इनएक्यूरेट सबसे कम सही लगेगा वो आपको ऑड वन आउट निकालना होता है, समझ रहे हो, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है, चलो। ये एक्टिनोमाइसिटीज दे दिया यहाँ पे, सॉरी सॉरी गलत लिख दिया बेटा, ठीक है, प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए, यानी कि यहाँ पे एडवांस्ड सेल आ गए, एडवांस सेल, लेकिन वो भी कैसे थे, सिंगल सेल थे, एक ही सेल से बने थे, सिंगल सेल, ठीक है, इनके अंदर था, जैसे कि आपके डायनोफ्लैजेलेट्स, डायएटम्स, डेजमिड्स, स्लाइम मोल्स, प्रोटोजोअन्स, यूग्लिना, ये सब आपके किसमें है, प्रोटिस्टा में है। नेक्स्ट आया आपका फंगी, जिसमें सारे फंगी थे, केवल फंगी के भी चार फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये चार फंगी हैं जो कि फंगी के अंदर फर्दर क्लासिफाई होते हैं, ठीक है, चलो। नेक्स्ट आपका प्लांटी, ठीक है, प्लांटी में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके
ऑलमोस्ट फंगी से ही शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स आते हैं, जिसमें आपका एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आएगा। और ये एक अलग चैप्टर है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। सेम थिंग गोज विद एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम और भी ज्यादा वास्ट है, जहाँ पे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं, जो कि काफी डेप्थ में हम एक चैप्टर इस पे पढ़ने वाले हैं। तो ये पांच ऐसे किंगडम थे जो विटेकर ने बताए, जिसमें अलग अलग चीजों को उन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, इज इट क्लियर? चले, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे कि वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकन्स, इनको नहीं मेंशन किया गया। उसका रीजन है, ये तीनों तो ए सेलुलर है, ए सेलुलर है, ठीक है, और ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, चलो सॉरी, हम देखने वाले हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इन सारे फीचर्स के अकॉर्डिंग इनको कैसे डिवाइड किया गया। ठीक है, एक बार ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चार्ट से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी। ये चार्ट याद करोगे तो बहुत सी चीजें इजी भी हो जाएंगी आपके दिमाग में। ठीक है, हाँ, फंगी मल्टी सेलर यूनि सेलर दोनों ही, जनरली फंगी और मल्टी सेलर होने। ठीक है, आ जाओ, मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोट, फंगी यूकैरियोट, प्लांटी यूकैरियोट एंड एनिमेलिया इज आल्सो यूकैरियोट। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में सेल वॉल होता है, लेकिन सेल्यूलोज से नहीं बना होता, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में किसी किसी में होता है, मैंडेटरी नहीं है। फंगी में आपके प्रेजेंट है, लेकिन काइटिन से बना हुआ, सेल्यूलोज का मॉडिफिकेशन है काइटिन, नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। प्लांटी में प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज से बना, और एनिमल में होता ही नहीं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, बाकी सब में प्रेजेंट रहेगा क्योंकि ये सारे यूकैरियोट है। ठीक है, मोनेरा में नहीं होता है क्योंकि वो प्रोकैरियोट है, सॉरी। ठीक है, बाकी सब में रहेगा क्योंकि ये यूकैरियोट्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, इनका भी सेलुलर है, आगे जाके सब मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। ओके, दे आर मल्टी सेलुलर टिश्यू ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, या कीमोसिंथेटिक होंगे, बट अपना खाना खुद बना लेंगे। ऑटोट्रॉफिक ये भी होते हैं, लेकिन कुछ इसमें हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, जो कि एज ए पैरासाइट या किसी और तरीके से अपना खाना ले रहे हैं। ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, जो आपके हेटरोट्रॉफिक का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, प्लांटी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें कॉन्जुगेशन है, कोई आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जैक्टली इट इज नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सिनगैमी और कॉन्जुगेशन होता है, और बाकी सब में फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग। ठीक है, चलो, अनुष्का बेटा, ठीक है, लेकिन जब हम डॉक्टर बनेंगे तब ना, उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज कब ध्यान आएगी, जब हम पढ़ के वाकई डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, अभी इसका सही समय नहीं है बेटा, अभी क्लास चल रही है ना, क्या करें स्पैमर्स का बताओ, समझा के तो मैं अभी थक गई हूँ। देख रहे हो मैम, खुद ही सांस मेरी फूल रही है पढ़ाने में, बट नहीं, तुमको तो मजा आ रहा है। हाँ चलो, किंगडम मोनेरा से शुरू करने वाले हैं, जहां पे सारे प्रोकैरियोट्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज कहाँ से आ गया इसमें, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सिंपल है, सबसे प्रिमिटिव होते हैं, सबसे पुराने, एक होते हैं ना घर के पुरखे होते हैं, जो सबसे पुराने जमाने के, तो ये वही वाले हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सारे ही यूनि सेलुलर होते हैं, कोई भी इसमें मल्टी सेलुलर नहीं बन सकता, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सारे यूनि सेलुलर हैं, यानी इनमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन सेम होता है, राइट। चलिए, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं,
यानी अपना खाना कैसे भी ले लेना है, लेकिन मेजॉरिटी जो हम देखते हैं दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, मेजॉरिटी। ठीक है, मैं ये डिनाई नहीं कर रही हूँ कि बाकी तरह के नहीं होंगे, लेकिन मेजॉरिटी अपना खाना खुद बना सकते हैं, चाहे जैसे वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, चाहे वो केमिकल्स के यूज से अपना खाना बना रहे हो, बट दे आर एबल टू। नहीं तो वो डेड एंड डीकम्पोज चीज पे भी फीड कर सकते हैं, वो पैरासाइट की तरह भी होस्ट पे फीड कर सकते हैं। ठीक है, चल, डीएनए नेकेड है इनका, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से हो रहा है और गैमीट एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज सच प्रॉपर नहीं होता, तो रिप्रोडक्शन जनरली एसेक्सुअल मेथड से होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? मैम आप बस 3 PM में वन शॉट ले लो, बिकॉज योर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। बेटा प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कराने दो, वो ना बहुत सारे बच्चों का वीक है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। दो तीन चैप्टर, 3 चैप्टर और बचे ना, उसको कंप्लीट करा लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम होगी नहीं तो। ठीक है, मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है उस चैप्टर में। ठीक है चलो, अगर मुझसे नहीं होगा तो आई विल सी। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे भी अपने बॉडी को खींचूं, घर में बहुत काम होता है, सब चीज का ध्यान रखने में ना हो जाता है गड़बड़। ठीक है, डिटेल में मोनेरा का रिप्रोडक्शन नहीं आएगा, और जो आएगा वो हम बायोटेक्नोलॉजी और ऐसे चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा ये चीज। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, लेकिन वन शॉट में अटेंडेंस भी तो दिखनी चाहिए। वेयर इज द अटेंडेंस? आपने, सब लोग ने कहा था हम आएंगे मैम, हम आएंगे, और वॉट इज दिस अटेंडेंस? आपने अपने फ्रेंड्स वेंड्स को भी नहीं बताया? बात यह कि मैं आपका वन शॉट दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, बट मेरा मन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मन नहीं है आपका डिवाइड करने का चैप्टर। देखो एनिमल किंगडम मैं 100% गारंटी नहीं दूंगी, मैं सच बता रही हूँ। आई वॉन्ट गिव 100% गारंटी कि मैं एनिमल किंगडम एक पार्ट में ले पाऊंगी, क्योंकि बेटा जब एकदम नहीं हो पाएगा ना, अननेसेसरी आपका भी क्लास कंप्लीट नहीं होगा, मेरी हेल्थ बहुत गड़बड़ होगी, तो आगे की क्लास चल नहीं पाएगी। तो उसमें हो सकता है मैं दो क्लास में लूँ, वो भी मैं एक बार आपको कल बताऊंगी, एक बार देख के। ठीक है, बाकी प्लांट किंगडम तक फिर भी वन शॉट खींच सकते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम काफी लंबा है, बहुत ज्यादा एनर्जी इतनी बच नहीं रही है अब। ठीक है चलो, साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर सन जगह पाए जाते हैं एंड कैन बी फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी में ही बढ़ सकते हैं। दो मेजर क्राइटेरिया आपके डिवाइड होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, पहले सुनो ध्यान से, अच्छा अभी बाद में इस बात का डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले यहां से ध्यान सुनो। जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, तो मोनेरा किंगडम में भी थोड़ा सा ट्रबल हुआ लोगों को कि भाई मोनेरा में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको एक साथ सारे बैक्टीरिया को रख दिया गया है, लेकिन उनके जो सेल वॉल का कॉन्स्टेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, उनके जो फीचर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो बाद में एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि मोनेरा को भी फर्दर डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। ठीक है, लेकिन हम जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, अभी फाइव किंगडम ही फॉलो करते हैं, वी हैव नॉट जम्प टू सिक्स किंगडम। तो जब तक एनसीईआरटी चल रही है फाइव किंगडम, वी विल ऑलवेज फॉलो दिस फाइव किंगडम। ठीक है, नहीं तो जनरली हम सिक्स किंगडम वाला रूल भी इन मॉडर्न बायोलॉजी फॉलो करने लगे। ठीक है, यहाँ पे मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, तो ये वो बैक्टीरियाज हैं जो कि एकदम क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, एकदम हार्श कंडीशन में रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जो विच लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, जहां पे नॉर्मल लोग सरवाइव नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? चल, हाँ, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूज ने दिया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको एज सच आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया बहुत अच्छे से, इसलिए एनटीए इतना भी नहीं है कि बाहर से उठा के ले आएगा क्वेश्चन। ओके, आर्की बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन सम हार्श हैबिटेट्स। हार्श हैबिटेट का मतलब हॉट वाटर स्प्रिंग। ठीक है,
कुछ एनारोबिक कंडीशन हुआ, हेलोफाइल एरिया जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, ठीक है, मार्शी एरिया, इन सब जगह पे जो रहते हैं उनको हार्श हैबिटेट में रहना कहते हैं। यहाँ नॉर्मल लोग नहीं जी सकते, एकदम खौलते पानी में आपको रख दिया जाए, ठीक है, उबल के निकल आओगे। तो हमें जीना है ना, उबलना नहीं है, राइट। एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हेलोफाइल्स कहते हैं, ध्यान से सुनना, दीज आर नोन एज हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। इस पे PYQ क्वेश्चन आए, इसलिए मैं उन सबका नाम याद लगा रही हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि द बैक्टीरिया विच लिव इन सॉल्टी एरियाज आर नोन एज, फिर आपको थर्मो एसिडोफाइल दे देगा, हेलोफाइल दे देगा, मिथानोजन दे देगा, ठीक है, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। मार्शी एरिया में जो पाए जाते हैं उनको मिथानोजन कहते हैं, जनरली एनारोबिक कंडीशन में जीते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। इसलिए इनके टर्मिनोलॉजीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरिया मिथानोजन, इज इट क्लियर। चलिए मिथानोजन की सबसे पहले बात करते हैं। मिथानोजन ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हम आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हुआ, ठीक है, देन कैटल के बारे में जब पढ़ते हैं हम, काउ डंग के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे भी इनका नाम मेंशन होता है, क्योंकि कहाँ रहते हैं, मार्शी एरिया में या फिर र्यूमन ऑफ कैटल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो सीन इन र्यूमन ऑफ कैटल। ये स्ट्रिक्टली एनारोब्स होते हैं, कभी भी ऑक्सीजन रहेगा तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, बिना ऑक्सीजन के ही ये जी सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है तो ही ये जिएंगे। गट ऑफ सेवरल रोमिनेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे आपके जितने भी कैटल्स हैं, काउ, बफेलो, गोट, इन सब के आपके गट में पाए जाते हैं, क्यों, व्हाई, एनीवन कैन टेल मी। यस, मीथेन गैस ये प्रोड्यूस करेगा, बात बिल्कुल सही है आपकी, एकदम पते की बात बोली, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये र्यूमन ऑफ कैटल में क्यों पाए जाते हैं, गट ऑफ कैटल में क्यों पाए जाते हैं, गोबर गैस प्रोड्यूस करने के लिए नहीं पाए जाते हैं, वो वहां पे हैं इसलिए गोबर गैस प्रोड्यूस होता है, बट उनका मुद्दा ये नहीं कि हमको गोबर गैस प्रोड्यूस करना है। वेरी गुड रोज, आपके जो ये कैटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, जनरली हर्बीवोर होते हैं, होते हैं कि नहीं, ये घास फूस और ये सब खाते हैं, राइट, सूखी घास, कैसी भी घास वगैरह खाते हैं। इनके खाने में ज्यादा मात्रा सेलुलोज की होती है, क्योंकि हमारे खाने में कम होती है, काफी कम होती है, हम भले हर्बीवोर्स हैं पर हम कच्चा खाना नहीं खा सकते, हमें पकाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मिथानोजन उनके गट में रहते हैं और यही उनका फर्मेंटेशन करते हैं। अरे यहाँ लिखा हुआ यार, इट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। चल, ऑलमोस्ट 65% एटमोस्फेरिक मीथेन यही मिथानोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इतने अमाउंट ऑफ मीथेन गैस ये निकालते हैं। एग्जाम्पल, मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोबैसिलस, मिथानोसाकिना, मिथानोकोकस, ये सारे अलग अलग तरह के मिथानोजेंस हैं, ठीक है, मिथान जहां भी नाम आया वो मिथानोजेन ही होंगे, इतना याद रखना, ठीक है। ये देखो र्यूमन ऑफ कैटल, कैटल का ये गट है, ठीक है, इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आएंगे हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में, एकदम नमकीन एरिया में, ठीक है, एकदम नमकीन वाले एरिया में, राइट, तो ये सॉल्टी एरिया, सॉल्टी लेक्स, सॉल्टी मार्शेस, सॉल्ट सॉल्यूशन, इन सब में प्रेजेंट रहते हैं और ये मोस्टली एनारोब्स होते हैं। मिथानोजन स्ट्रिक्टली एनारोब है, उसमें एक भी एरोब नहीं निकलेगा, लेकिन हेलोफाइल्स में मोस्टली एनारोब्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। चलिए, इनके पास एक पिगमेंट होता है हेलोरोडोप्सिन, जो क्लोराइड को पंप करता है इनके सेल के अंदर ताकि डिहाइड्रेशन ना हो पाए, तो ये अपना आराम से कंडीशन, सलाइन कंडीशन में क्या होगा, सलाइन कंडीशन में डिहाइड्रेशन होने की बहुत हाई कैपेसिटी होती है, लेकिन इस पिगमेंट की वजह से वो डिहाइड्रेट नहीं हो पाते, ठीक है। डेवलप पर्पल मीथेन, ये आपको नहीं पूछा जाएगा एज सच। प्रोटॉन पंप इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा लाइट के प्रेजेंस में, जो कि ATP का सिंथेसिस करता है, इसके एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। इतने डेप्थ में हेलोफाइल्स नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, बस इसके नाम एक दो याद रखना आपको, हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, ये एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में रहते हैं बस, ठीक है। मैं बता रही हूँ ना क्या चीज आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट में कौन यूज होते हैं, मिथानोजेंस यूज होते हैं, बिल्कुल सही बात है।
नेक्स्ट है थर्मो एसिडोफाइल्स, जो कि आपके कहाँ रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, बिल्कुल खौलते हुए जगह पे रहते हैं। इनका पीएच लगभग 2 के बराबर होता है, हाईली एसिडिक, ठीक है, हाईली एसिडिक पीएच होता है। ऐसी कंडीशन में इनको सरवाइव करना है, बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच है। एनारोबिक कंडीशन में ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और जिसके मदद से वो अपनी एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। दीज आर थर्मो एसिडोफाइल, जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग में मिलते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में। इज इट क्लियर? चलिए, ये आपके आर्की बैक्टीरिया थे, जो कि मोनेरा का वन सेक्शन था। अब हम आएंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, सच्चा बैक्टीरिया, जो अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। दिस आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि इनके पास एक रिजिड सेल वॉल है, और अगर ये मोटाइल होते तो इनके पास फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली सेल वॉल का ही मेजर डिफरेंस था आर्की और यू बैक्टीरिया में। सबसे पहले आते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस इज नॉट एन एल्गी, जस्ट एल्गी लाइक अपियर होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया है, बट है ये बैक्टीरिया ही। ब्लू ग्रीन एल्गी के पास सेम पिगमेंट है जो कि प्लांट के पास होता है, क्लोरोफिल ए, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं, ठीक है, मरीन या टेरिस्टियल दोनों ही हो सकते हैं। कॉलोनीज के अराउंड इनके एक जिलैटिनस शीट प्रेजेंट होती है, जो अजीब सी चिपचिपी सी रहती है। जिलैटिन सबने खेला ना, ठीक है, वो चिपचिपा सा हाथ में लगता नहीं, बट एकदम चिपचिपा सा होता है, राइट, वैसी शीट इनके कवरिंग इनके अराउंड प्रेजेंट रहती है। कुछ आपके ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हेटरोसिस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनके फिलामेंट में हेटरोसिस्ट प्रेजेंट रहता है, एक स्पेशल आपका ऑर्गन जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबेना, ये दोनों क्वेश्चन PYQ में आ चुके हैं। ये PYQ क्वेश्चन, इसका डायग्राम भी NCERT में दिया है, NCERT में इसका क्लियर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे भी ध्यान देना, कई बार डायग्राम दे के क्वेश्चन पूछा जाता है आपके PYQ में, ठीक है। चलिए, हाँ कह सकते हो जेली टाइप, ठीक है, जेली टाइप, इज इट क्लियर? चलो, कैसे होते हैं ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, जनरली कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, बट कीमोसिंथेटिक भी इसमें देखा जाता है, ओके। जो भी स्पैम कर रहे हैं बच्चे, आई एम रिमूविंग देम, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी आप मेरे पास है यहाँ पे क्या, रुको इसमें चेक करूँ, किसी ने हटा दी मेरी एनसीईआरटी। ओहो, अभी मैं 2 दिन पहले तो देख रही थी, समवन हैज रिमूव्ड इट, एनसीईआरटी उधर रखी हुई है, ठीक है। चलो बेटा, जिसको जिससे पढ़ना जाके पढ़ सकते हो, पहले जाके मैम को ढूंढिए, किसी को भी जिससे भी पढ़ना उसको पहले जाके ढूंढिए, एटलीस्ट जो पढ़ा रहा है उससे पढ़ सकना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, ओके। यूजेस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, इसीलिए मैंने कहा अपने साथ अपनी बुक भी लेके बैठो, बुक और लेके, और एक अपना नोट्स की कॉपी लेके बैठा करो, जब भी रिवीजन कर रहे हो एक्स्ट्रा चीजें नोट करो, और जब जब मैं बता रही हूँ अपने बुक्स में चेक किया करो, ठीक है। यूजेस ऑफ साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया का कहाँ का यूज होता है, एक तो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, नेक्स्ट एनाबेना सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने में मदद करता है, स्पायरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन पे बहुत क्वेश्चन आता है, स्पायरुलिना है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट एनाबेना आपके मॉस्किटो लार्वा को प्रिवेंट करता है, ध्यान से सुनना, बहुत बार जब आपके आसपास के पॉन्ड में सडनली, जैसे आपके कोई भी ऐसी डिजीज बढ़ गई है, जो मलेरिया बढ़ गया, डेंगू बढ़ गया, जिसको मॉस्किटो के कारण हो रहा है, तो ये एनाबेना और ये सब आपके लगाए, आपके इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ताकि इन लार्वा को वो फिनिश कर पाए, ठीक है, तो ये उसमें मदद करते हैं। नेक्स्ट आएंगे एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के पास, जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, नॉन स्टॉक नहीं कहे हैं,
नॉस्टॉक कहें, हे भगवान तुम लोग का तो हम क्या करें, नॉस्टॉक नालायक। देखो नॉस्टॉक है, नॉन स्टॉक नहीं है। चलिए माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं है, तो ये एक्सेप्शन बनता है। और एक्सेप्शन आपको पता है, आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं नीट के, एनटीए ने एक्सेप्शन भर भर के पूछा, ठीक है। चलिए इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। किसने डिस्कवर किया था? रोक्स ने डिस्कवर किया था। कहां से? कैटल से। कैटल के प्लूरल फ्लूएड से इन्होंने निकाला था, जिसको प्लूरो निमोनिया हो रखा था, यानी कि ये डिजीज कॉजिंग है। ये अच्छा नहीं है बहुत, ये डिजीज कॉजिंग है। इज इट क्लियर? रॉक्स ने आपके ये निकाला था। इनको दो और नाम से जाना जाता है, जिसको माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या फिर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ भी इसी का नाम है, ठीक है। अगर पीपीएलओ आता है तो पीपीएलओ भी माइकोप्लाज्मा का ही नाम है। ये सबसे छोटा प्रोकैरियोट है, एक तरह से सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको जिसका साइज 0.1 to 0.5 आपके म्यू मीटर है, सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट। डीएनए नेकेड है और 70S टाइप ऑफ राइबोसोम में, अगेन प्रोकैरियोट होने की वजह से। माइकोप्लाज्मा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आपके जीता है, यानी ये अपना खाना खुद बना नहीं सकता है। यस चलो एग्जाम्पल क्या है माइकोप्लाज्मा? आपका माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल है, सच नहीं पूछेगा, इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये सेल वाले चैप्टर में भी इसका नाम आएगा, जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी इसका नाम आएगा, ठीक है। चलो हाँ जी, प्लूरो निमोनिया जैसी आपकी डिजीज कॉज करती है। ह्यूमन में माइकोप्लाज्मल यूथराइटिस आपका कॉज करता है। नेक्स्ट किंगडम आएंगे प्रोटिस्टा। 2 मिनट रुको, तो पहले मैं देखूं क्या चल रहा है चैट में। चैट ऑफ कर दूं क्या मैं? हाँ, आधे बच्चे ऐसे हैं जो खुद ही पढ़ा रहे हैं, आधे बच्चे ऐसे हैं जो मस्ती कर रहे हैं, आधे तो नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खुद ही पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लग रहा है उनको कि पढ़ना ही नहीं है, और जो पढ़ रहे हैं उनका चैट ही नहीं दिख रहा मुझे, तो क्यों बदमाशी कर रहे हो? ठीक है नीरज कुमार, आपके माइकोप्लाज्मा की जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने दे दी थी बेटा, अब उस पर ऐसे नहीं आएगा आपके इन एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। अभी नेक्स्ट आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, जहां पे क्या थे आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट मॉडर्न सेल आ गया भाई, प्रिमिटिव से अब मॉडर्न सेल, एडवांस सेल आ गया, ठीक है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सिंगल सेल यूकैरियोट जो होते हैं वो सारे प्रोटिस्टा के अंदर डाले गए। यूग्लिना को फाइनली जगह मिल गई, ठीक है, यूग्लिना को फाइनली जगह मिल गई थी अब, ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। प्रोटिस्टा में थोड़े से मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म डाले गए, बेसिकली आप ये भी कह सकते हो यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो डाले ही गए थे, लेकिन इसके अलावा जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे, पर उनका जगह ही नहीं समझ में आ रहा था, उन सबको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। ये मेजर फीचर था जिसके अकॉर्डिंग किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया, ठीक है। प्रोटिस्टा में 5 कैटेगरी होती है बेसिकली, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन। ये नाम याद रखने हैं, 5 कैटेगरी होती है, ठीक है। ये कनेक्टिंग लिंक है आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है। चलिए नीरज कुमार कृपया मुझे पढ़ा लेने दे, नहीं तो पहले आप पढ़ा लीजिए, जब आपका हो जाएगा तो मेरे को बता देना, हो जाएगा बेटा तो बता देना, मुझे लग नहीं रहा आज मेरे क्लास में जरूरत है, बहुत सारे पढ़ के ही आए हो आप, मैंने एक बार आपको बोला।
पहले हम आपका ही सुन लेते हैं, देखते हैं जो बच जाएगा फिर मैं बता दूंगी। अच्छी बात है, अच्छा आपको पता है सब चीजें, बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट इट। बट हर बच्चा नहीं ऐसे पढ़ेगा ना बच्चा। क्यों बदमाशी कर रहे हो यार, लिख रहे हो आप आंसर, सही लिख रहे हो मैं मानती हूँ, लेकिन क्या जरूरत है क्लास में? अगर आपको ही पढ़ाना है तो बताओ मेरी क्या जरूरत है, आप ही पढ़ा लो यार, डिसाइड आप कर लो, मैं पढ़ा लूँ क्या आप? आ जाओ, हाँ हेकेल ने प्रोटेस्टा दिया था, बिल्कुल सही बात है। पांच फर्दर क्लासिफिकेशन की प्रोटेस्टा को, पहला डायनोफ्लैजेलेट, ठीक है, दूसरा क्राइजोफाइट्स, नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन। ये पांचों के नाम याद रहने चाहिए, कुछ भी भूलना नहीं इसमें, ठीक है, कुछ भी भूलना नहीं है। आ जाओ, पहला है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में आपके आएंगे दो मेजर ऑर्गेनिज्म, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ठीक है, जिसको डेजमिट्स के नाम से भी जाना जाता है। सो बॉक्स अपीयरेंस आपके डाई एटम्स को कहा जाता है, सो बॉक्स अपीयरेंस, क्योंकि सिलिका की दो लेयर के अंदर एम्बेडेड रहता है, ठीक है, और इसमें इसके जो रेमिनेंट होते हैं सिलिका के, वो आपके ओशन में बहुत सालों तक रह जाते हैं, जिससे एक डिपॉजिट बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ। नाम सुना है ना, डाई एटोमेशियस अर्थ, ये इन्हीं के डिपॉजिट्स हैं, सिलिका के डिपॉजिट्स, राइट। सोप बॉक्स अपीयरेंस इसी में आता है, सोप बॉक्स अपीयरेंस, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पीवाईक्यू में पूछे हैं। हाँ साबुन का डब्बा बोल लो, जो भी बोल लो, ऐसे याद कर लो, ठीक है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म है क्राइजोफाइट्स में, डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का नाम डेजमेट्स है, ये याद रखना है, ठीक है। इनको एक और नाम से जाना जाता है क्राइजोफाइट्स को, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ दी ओशंस, ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं, इसलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस भी बुलाया जाता है। अगेन ये पीवाईक्यू है, तो एक टॉपिक से कम तीन से चार पीवाईक्यू बने हैं। एक पीवाईक्यू ये बना है, एक पीवाईक्यू ये बना हुआ है, ठीक है, सोप बॉक्स अपीयरेंस आया हुआ है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस आए हैं, राइट, डेजमिट्स पे भी आपके पीवाईक्यू पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये तीनों पीवाईक्यू क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है, तो यहां यहां से क्वेश्चन बनना है, ठीक है, ओके। इनकी ग्रिटिनेस के सॉइल, इनको इनके ग्रिटिनेस के कारण, ठीक है, इनको पॉलिशिंग में, ऑयल फिल्ट्रेशन और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में भी मदद करने में आपकी उपयोग किया जाता है, ठीक है। ग्रिटिनेस जो इनका कंडीशन है उसके कारण इनको पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में भी यूज किया जाता है, इज इट क्लियर? ये आप क्या है, क्राइजोफाइट्स, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। नेक्स्ट आपका आएगा दूसरा इज डाइनोफ्लैजेलेट्स। बहुत इजी चीज है, इसको याद करना, डाइनोफ्लैजेलेट्स, दो फ्लैजेला वाला डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, और इजी, इसको इजी कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, गया दो फ्लैजेला वाला डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, इसके पास दो फ्लैजेला रहते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम में दो फ्लैजेला, इसलिए इनका नाम भी ऐसे ही लिखा है, राइट। सेल वॉल में इसके सेल्युलोजिक प्लेट्स होते हैं आउटर सरफेस पे, ठीक है, इनके अलग अंदर अलग अलग तरह के पिगमेंट हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, अलग अलग पिगमेंट होते हैं। रेड पिगमेंट जिनमें प्रेजेंट होता है, रेड डायनोफ्लैजेलेट, जब ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी का अपीयरेंस रेड कलर का हो जाता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रेड टाइड्स। अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, अगेन ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन है, गोन्यूलेक्स, अगेन ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो जहां जहां से क्वेश्चन बने हैं वो चीज पिन पॉइंट याद रखना है। एक इकलौता इसमें एक्स्ट्रा चीज है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट इनके ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये आया नहीं है बट स्टिल दिस कैन कम एज एन क्वेश्चन, ठीक है, इज इट क्लियर? पहला क्या पढ़ा हमने, क्राइजोफाइट्स, जिसमें हमने डेजमिट्स, गोल्डन एल्गी जिसको कहते हैं, और डायटम्स पढ़ा, डायनोफ्लैजेलेट्स में गोन्यूलेक्स पढ़ा, रेड टाइड कॉज करता है, दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलोजिक प्लेट इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए,
नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स। इन्हीं का सबसे बड़ा लोचा हो रहा था जब टू किंगडम है ना, इनका बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि यूग्लिना बड़े ही कह सकते कमाल के ऑर्गेनिज्म है। कमाल का ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि ये जीना जानते हैं। एक होता है ना कि कुछ भी हो जाए, एक इंसान होता है, हम लोग बहुत सारे अपने इर्द गिर्द लोग देखते हैं, कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो किसी भी सिचुएशन में खुश रहते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, राइट? ऐसे लोग होते हैं ना वो, जिनको हम लकी कहते हैं, वो लकी नहीं होते हैं, वो मेहनत करना जानते हैं, उनके अंदर वो आर्ट होती है, ठीक है? तो ये वैसे यूग्लिना है। यूग्लिना फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, हमेशा साफ पानी में मिलते हैं, ऐसे लोग साफ दिल के होते हैं, ठीक है? प्रोटीन रिच लेयर इनमें प्रेजेंट होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है? जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है, ठीक है? जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो कई बार छोटा वाला इतना क्लियर दिखता भी नहीं। तो दो तरह के फ्लैजिला इनके पास होते हैं, छोटे और बड़े। फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं जब इनको सनलाइट मिलता है। ध्यान से सुनना क्यों बोल रही हूँ कि ये थोड़े से आर्टिस्टिक है। जब इनको लाइट मिली तो ये फोटोसिंथेसिस किए, खाना बनाए, मस्त खाए, सो गए। लेकिन सपोज करो लाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये जी रहे हैं, तो सनलाइट नहीं मिलती है तो ये हेटरोट्रॉप बन जाते हैं कि भाई खाना तो हमें खाना है, चाहे मैं अपने से बनाऊं चाहे किसी से मांग के ले आऊं, बट मैं खाना तो खाऊंगा। तो ये फोटोसिंथेसिस भी जानते हैं और ये हेटरोट्रॉप भी बन सकते हैं जब लाइट इनको नहीं मिलती, तो ये अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं। तो इनके पास प्लांट के भी फीचर्स हैं, कुछ एनिमल के भी फीचर्स होते हैं, ठीक है? दैट्स हाउ प्रोटिस्टा आर। प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? यूग्लिना। यूग्लिना की कवरिंग पे, ठीक है, एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, जिसको फ्लेक्सिबल और स्लाइमी बनाता है, ठीक है? ऐसा दिखता है यूग्लिना। और इसमें कैसा डिवीजन होता है? विच काइंड ऑफ सेल डिवीजन? बाइनरी फिजन हैपेंस लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे कट होता है यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल और दो में डिवाइड हो जाता है व्हेन इट हैज टू डू बाइनरी फिजन, ठीक है? इज इट क्लियर? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, डेफिनेटली स्टैगनेंट वाटर में मिलेगा क्योंकि जनरली फ्रेश वाटर आपके स्टैगनेंट वाटर के रूप में ही दिखता है, ठीक है? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट हम आएंगे स्लाइम मोल्ड्स पे। अब स्लाइम मोल्ड्स और आपके नेक्स्ट प्रोटोजोन्स में बहुत ही ज्यादा कुछ कनेक्टिंग लिंक है। ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, पहली चीज तो खाना नहीं बना सकते हम, तो भाई कैसे भी मरा वरा सड़ा सब खा लेंगे, ठीक है? सूटेबल कंडीशन जब इनको मिलती है तो ये एग्रीगेट बना देते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम, जो कि एक पार्ट है इस प्रोटिस्टा के का पार्ट है। इट्स नॉट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, ठीक है? इट इज नॉट दैट प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है ये। वो प्लाज्मोडियम आपको हम आगे पढ़ाएंगे। ये सुटेबल कंडीशन के अंदर एक एग्रीगेट बनाते हैं प्लाज्मोडियम जैसा ही, ठीक है? और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि उनका प्रोटेक्शन हो पाए, ठीक है? इंपॉर्टेंट है स्लाइम मोल्ड हमारे लिए क्योंकि ये सैप्रोफाइट्स हैं, तो ये डेड एंड डिकम्पोज मैटर को आपके डिग्रेड करने में मदद करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ओके, दिस इज सैप्रोफाइट, ठीक है? सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनसुटेबल में स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन भी विचित्र प्राणी हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है? या तो प्रीडेटर की तरह काम करेंगे या तो पैरासाइट, या तो किसी के ऊपर रहेंगे या किसी को खा लेंगे, दोनों ही काम इनको आता है, ठीक है? और ये कहीं पे भी रहते हैं, एक्वेटिक भी, टेरेस्ट्रियल भी, पैरासिटिक भी। लोकोमोशन के लिए इनके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे सूडोपोडिया, अगर एमीबॉयड प्रोटोजोअन्स हैं, फ्लैजेला हो सकता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के बाद सीलिया प्रेजेंट होगा। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होता है, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है, मल्टीपल फिजन से होता है, सिनगैमी कॉन्जुगेशन भी देखा जाता है प्रोटिस्टा में। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर रहे हैं, सिनगैमी कॉन्जुगेशन जैसे प्रोसेस भी शो करते हैं, ठीक है? चार तरह के प्रोटोजोअन्स हैं एमीबॉइड, इनके पास सूडोपोडिया होगा, ठीक है? फ्लैजिलेटेड, इनके पास फ्लैजेला होगा, सीलिएटेड, इनके पास सीलिया होगा, और स्पोरोजोन की बात करें तो ये प्रोटोजोअन्स आपके क्या बनाते हैं?
दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, आओ देखते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से प्लाज्मोडियम बनाते हैं। आ जाओ, अमीबॉइड जो होता है, अमीबा जनरली फ्रेश वाटर में मिलता है, याद है ना, ये तो बहुत छोटे में पढ़े होंगे कि अमीबा इज अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन भी फ्रेश वाटर में ही जनरली दिखते हैं, कहीं कहीं सी वाटर में भी दिखते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी दिख जाते हैं। जिनके पास सूडोपोडिया होता है, जैसा अमीबा में फॉल्स फीट के नाम से, और इसके थ्रू ये प्रे को कैच करते हैं। मरीन में सिलिका सेल्स होते हैं जिससे वो न्यूट्रिशन होलोजोइक किसी को खा सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटोजोन होते हैं जिनके पास सिलिका सेल्स होंगे और ये किसी को खा सकते हैं आराम से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग और सिनगैमी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका। एग्जाम्पल कौन है? अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो आपके प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ये सारे, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे तो बहुत है। ठीक है, अमीबा एंड एंटमीबा हिस्टोलिटिका दोनों ही अमीबॉइड प्रोटोजोन में काउंट किए जाते हैं। फ्लैजिलेटेड की बात करें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इनके पास फ्लैजिला है तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक इनका न्यूट्रिशन मोड है। फ्लैजिला एंड पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेस डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोसोमा, लिजमेनिया डोनोवानी, जिराडिया, ये ट्राइकोमोनास, ये सारे डिजीज कौन कॉज कर रहा है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन कभी भी अच्छे नहीं है, प्रोटोजोन सारे डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ही कॉज कर रहे हैं। तो प्रोटोजोन्स की जब भी हम बात करेंगे, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, इज इट क्लियर? तो दिस इज क्या है, फ्री लिविंग है या पैरासिटिक है, स्लीपिंग सिकनेस जैसी आपकी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, चल, लिजमेनिया डोनोवानी, काला आजार, फीवर जिसको कहते हैं, जियारडियासिस, ट्राइकोमोनास, ये सारे डिजीज कौन कॉज कर रहा है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट आएंगे सीलिएटेड प्रोटोजोअन, ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, इनके पास सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि बहुत सारे एक स्ट्रक्चर के ऊपर, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली इतने ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव नहीं होंगे, जब ये ग्रुप में होते हैं तब ये एक साथ मिलके इफेक्टिव, इन अ ग्रुप आपके इफेक्टिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक है एक्सेप्ट इन सम पैरासिटिक फॉर्म्स। ऑस्मोरेगुलेशन किसके थ्रू होता है इनके में? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, और बॉडी पर पेलिकल की कवरिंग होती है। ठीक है, पैरामीशियम इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, वॉर्टिसेला, दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, दैट इज पैरामीशियम एंड वॉर्टिसेला जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में काउंट होते हैं। स्लिपर शेप्ड होता है पैरामीशियम। लास्ट है स्पोरोजोअन्स, एंडो पैरासाइट, सबसे खतरनाक पैथोजन कौन होते हैं ये स्पोरोजोअन्स? प्लाज्मोडियम। मलेरिया कौन कॉज करता है बच्चों? हु कॉजेस मलेरिया? मच्छर कॉज करते हैं, बताओ मलेरिया कौन कॉज करता है? मच्छर नहीं कॉज करते। ठीक है, मच्छर कभी भी कॉज नहीं करते हैं मलेरिया, मच्छर सिर्फ एजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू मलेरिया स्प्रेड होता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस के अंदर यही प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होगा, और यही आपके जब बॉडी के ब्लड, बॉडी ब्लड में मिक्स होते हैं तो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक है, एंडोपैरासाइट्स हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट, इसलिए इनको हमेशा एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और ये पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं वेक्टर पे, होस्ट के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, बिना होस्ट के जी नहीं पाएंगे। बॉडी इनका अगेन पेलिकल से कवर होता है, इनके ऊपर कोई
इनके अंदर कोई वैक्यूल नहीं प्रेजेंट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन से होगा, एक साथ बहुत सारे आपके सेल्स का फॉर्मेशन होगा, सिनगैमी भी प्रेजेंट है और स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं जैसे प्लाज्मोडियम, जो कि आपका एक्चुअली आपके मलेरिया कॉज कर रहा है। तो ये एंडो पैरासाइट्स है, होस्ट के अंदर रहते हैं और उन्हीं की मदद से सारा डिजीज स्प्रेड कर रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब भी आपके घर में या घर के पास कोई भी गंदगी जम रही है या पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे आपके मच्छर मक्खी ये सब आएंगे। और ये मच्छर मक्खी खुद तो इतना डिजीज नहीं कॉज करते, बट ये बहुत सारे डिजीज को कैरी करते हैं अपने साथ। ठीक है, चलिए, इसका लाइफ साइकिल नहीं करवा रहे बेटा, ना इसका लाइफ साइकिल इसी चैप्टर में, पक्का याद करो, ये तो बता दो, इसका लाइफ साइकिल इसी चैप्टर में दिया हुआ है, नहीं दिया ना इस चैप्टर में, तो फिर तो जिस चैप्टर में दिया उसमें करवा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। और आज हमारा ये किंगडम आएगा फंगी, हाँ तो हेल्थ एंड डिजीज होगा फ्राइडे को मोस्टली, तो उस दिन करवा देंगे। ठीक है, चलेगा ना, खुश। अब बताओ यहाँ तक, देखो रिवीजन जो आपका रिवीजन होगा थोड़ा फास्ट तो रहेगा, अगर आप सोचो रिवीजन में एक एक चीज एकदम डेप्थ में मैम एकदम तरीके से पढ़ाएं, मैं ये नहीं कह रही मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बट थोड़ा सा आपको कहते हैं ना समझ के रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली पेस थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि अगर हम अब शुरू से एक एक चीज पढ़ने बैठ गए फिर पूरा चैप्टर रिवाइज कब करेंगे। ठीक है, तो अगर जिसको लग रहा है कि मैम मुझे तैयारी करनी है वन शॉट से, तो एक काम कर लो आप, एक बार चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करके आया करो। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही करना, आप एनसीईआरटी से रीड करके आना। दो दिन में वन शॉट कैसे होगा, वन शॉट मतलब एक बार में, दो दिन में कंप्लीट होंगे यार तो उसकी क्रेडिबिलिटी खोती, मेरे को लगता है उसका नाम वन शॉट क्यों रहता है फिर, तो उसका नाम टू शॉट रहना चाहिए ना। सब लोग रीडिंग नहीं लगा के आना, पढ़ के आना है, स्टोरी बुक थोड़ी ना है कि रीडिंग लगा के आओगे, कल प्लांट किंगडम है। ठीक है, तो एक बार पढ़ के आ जाना बस, आ जाओ। नेक्स्ट है किंगडम फंगी, किंगडम फंगी यहाँ पे निमोनिक भी बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, बहुत सारे लोग पिछली बार क्लास में जब मैंने पढ़ाया था तो मैम निमोनिक बता दीजिए, तो मैंने कुछ छोटे मोटे तोड़ फोड़ के निमोनिक बनाए हैं जिससे याद तो हो जाएगा आपको, जहां तक मेरे को लगा। ठीक है, चलिए, फंगी का नाम आते ही क्या याद आता है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स ये डेड एंड डिकम्पोज चीजों पर फीड करते हैं। ठीक है, चलिए, एक्रोफिलस होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग नॉन वेसाइकुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फंगी एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, वेजिटेटिव बॉडी की यूनिसेलुलर होती है जो बहुत सारे थ्रेड से बनी होती है जिसको हम हाइफे कहते हैं, और जब ये हाइफे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं तो माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वेजिटेटिव बॉडी इनकी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये यूनिसेलुलर बॉडी बहुत सारे थ्रेड से बनी हुई है। ठीक है, पतले पतले थ्रेड से बने, और ये थ्रेड एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इज इट क्लियर, आ जाओ। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड फंगल सेलुलोज, रिजर्व्ड फूड इज ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन। ठीक है, और काइटिन से इनकी सेल वॉल बनी हुई है, काइटिन को फंगल सेलुलोज कहा जाता है, और काइटिन का दूसरा नाम नैग भी है, अगेन बता रही हूं मैं, एन एसिटाइल कहीं पे भी आएगा, इवन आपको ये क्वेश्चन अगेन कहां मिलेगा, एनिमल किंगडम में मिलेगा। ठीक है, फिर बायो मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, इसलिए याद रखना है, नैग काइटिन का दूसरा नाम है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ओके, ठीक है, नाग से याद कर लो, जैसे भी याद करना याद कर लो बस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक है, कुछ कुछ पैरासिटिक भी होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। फंगी
दो लोगों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, एक तो एल्गी के साथ, दूसरा हायर प्लांट के साथ, ठीक है। तो ये अपना जुगाड़ ढूंढ लेता है, बहुत जुगाड़ू आदमी है फंगी हमारा, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगी, अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बडिंग से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। एसेक्सुअल कोनिडिया फॉर्मेशन, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर इनसे हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है आपके फंगी में, सब फंगी में उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आएंगे, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। कितने तरह के फंगी होते हैं, कैन एनीवन टेल मी, कितने तरह के फंगी होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने तरह के होते हैं? बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंगी आर देयर? तीन तरह के। क्रेजी एक्स वाई जेड, हाँ भूल गया ना, तीन ही पे अटक गए हो तुम। फोर टाइप्स ऑफ फंगी आर देयर, राइट। थ्री जो बोल रहे हैं ना, रिवीजन नहीं हुआ है उनका, ठीक है। आओ अब रिवाइज करेंगे। फंगी में फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन का होता है, ठीक है, इन विच रिडक्शन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, क्योंकि हैप्लॉइड बनेगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। किंगडम फंगी आपके माइसीलियम के अकॉर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, फ्रूटिंग बॉडीज के अकॉर्डिंग चार पार्ट्स में क्लासिफाइड है, ठीक है। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज एंड चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये चार तरह के फंगी होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो जल्दी नहीं करना है, जल्दी करोगे तो, जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। और हम शैतान नहीं, हम डॉक्टर हैं, ठीक है। शैतान बनना है तो ये गलत जगह है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब होता है जो सेक्सुअल उनके स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, उसको फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। जहाँ स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है उनका ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उस जगह पे जहाँ पे ये फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे एस्को स्पोर्स बन रहे हैं तो कहाँ पे बन रहे हैं? एस्को स्कार्प्स पे पड़ रहे हैं, तो एस्को कार्प उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ओके, जिसपे आपके गैमिट का या स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। आ जाओ, पहला है फाइकोमाइसिटीज, पहला ही हमारा फंगी है फाइकोमाइसिटीज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइकोमाइसिटीज, ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं या थोड़े से नमी वाले जगह पे मिलेंगे, जैसे मॉइस्ट एरिया पे, डैम प्लेसेस पे, डिकेइंग वुड पे, ठीक है, ये आपके प्रेजेंट रहते हैं। और कई बार ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में रहते हैं हायर प्लांट्स से, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज सबसे सिंपल टाइप ऑफ फंगी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनमें है ही नहीं, सबसे सिंपल, ठीक है। हाँ गीला गीला, चलो आ जाओ। इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, कोई सेप्टा नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, और सीनोसाइटिक होता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर समझो बहुत सारे हाइफी कनेक्ट कर गए और उनमें कोई सेप्टम नहीं है, तो सारे न्यूक्लियस एक ही के अंदर काउंट होंगे, इसलिए वो मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखते हैं, समझना। सेप्टा एब्सेंट है, सेप्टा नहीं है और बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो वो कैसे दिखेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट्स व्हाई इट इज सीनोसाइटिक, क्योंकि कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, बोथ आर कनेक्टेड। एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर या एप्लोनोस्पोर से हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर या गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से हो रहा है, ठीक है। एसेक्सुअल में भी जेड है, सेक्सुअल में भी जेड है, एक में जूस्पोर है, एक में जाइगोस्पोर है। जाइगो से जाइगोट याद आता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जूस्पोर आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल कौन है? मिस्टर, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है मिस्टर, म्यूकर एंड राइजोपस। फाइकोमाइसिटीज को एक और नाम से बुलाया जाता है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। राइजोपस आपका ब्रेड मोल्ड है, इसलिए फाइकोमाइसिटीज को कभी कभी ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है। ब्रेड मोल्ड का मतलब क्या हुआ, जब आपका ब्रेड सड़ने लगता है, हमें कहते हैं ना इसमें फंगस लग गया, ग्रीन ग्रीन कलर का फूई लग गई है, राइट, वो एक्चुअली फंगी आपके डेवलप करने लगे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा आज तक, तो एक ब्रेड को सिंक के पास छोड़ देना 2-3 दिन, कुछ दिन बाद देखोगे वो ग्रीन ग्रीन उस पर लेयर आने लगती है, दैट इज एक्चुअली ब्रेड मोल्ड, जिसको हम फाइकोमाइसिटिस कहते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए, हाँ, एल्ब्यूगो भी इसी में आता है, रोटी पे भी बनता है भाई, इतना दिन हमने रोटी रखी नहीं है, ब्रेड अक्सर रह जाता है, रोटी तो नहीं रखे बेटा, वो रोटी पे नहीं ध्यान दिया मैंने, भूपरी लग जाती है। चलो अच्छा, नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एस्कोमाइसिटीज, एक और नेम जो एस्कोमाइसिटीज को एक और नाम से बुलाया जाता है, व्हाट इज द अदर नेम, ठीक है, हम राम नहीं याद कराएंगे, हम मार याद कराएंगे, तुमको याद रहेगा, ठीक है, इसको हम सैक फंगी भी कहते हैं, सैक फंगी भी कहते हैं, यस, वेरी गुड, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज है इसलिए एस्को कार्प आपको याद रहेगा, ठीक है। सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक कॉप्रोफिलस यानी डंग पे जो ग्रो करते हैं, इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, तो ये यूनिन्यूक्लियेटेड, मल्टी न्यूक्लियेटेड नहीं होते, ठीक है, इज इट क्लियर। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से हो रहा है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोगैमी गैबेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होगा, और जो इसके सेक्शुअल स्पोर्स है उनको एस्को स्पोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एस्को स्पोर्स कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज से एस्को स्पोर्स आपको याद रहेंगे, इनकी फ्रूटिंग बॉडी एस्को कार्प होती है, ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये दोनों एडिबल फॉर्म होते हैं, इनको खाया जा सकता है, ठीक है, इज इट क्लियर, विच यू कैन ईट, इसका एक नाम याद करने का तरीका है कैन, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कैन, क्लाविसेप्स, एस्पर्जिलस, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, मॉरल्स और ट्रफल्स इसके एडिबल आपके पार्ट, इज इट क्लियर। हाँ, कोनीडिया इसमें भी प्रेजेंट है, कोनीडिया आगे भी आएगा एक बार, ठीक है, आपके फॉल्स फंगी में, फॉल्स फंगी कह रहे हैं, इनपरफेक्ट फंगी में, इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसलिए इनमें डिवीजन है, ब्रांचिंग है, आ जाओ। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, छतरी वाला, छतरी वाला फंगी किसने किसने खाया है, सही बताना, छतरी वाला फंगी किसने किसने खाया है, अरे भाई मशरूम खाए हो कि नहीं, कभी देखे हो मशरूम, इसका दूसरा नाम है क्लब फंगी, ठीक है, इसको पार्टी करना बहुत पसंद है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्लब फंगी, क्या नाम है इसको, क्लब फंगी, अक्सर पार्टी फंक्शन में ये मिलता है मशरूम, इसलिए ये क्लब फंगी है, ठीक है, कॉमनली नोन एज मशरूम, ब्रैकेट फंगी, ये सॉइल्स पे, लॉक्स पे, ट्री स्टम्स पे ग्रो हुआ दिखता है, कई बार हम एडिबल और इनएडिबल फॉर्म को, पॉइजनस फॉर्म को कंफ्यूज कर लेते हैं, बीच में एक दो बार न्यूज आई थी, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है कि नहीं, कि एडिबल फंगी जो होता है वैसा ही एक पॉइजनस फंगी पाया गया था, जो लोगों ने खा लिया था और बहुत सारे लोग उससे बीमार पड़ गए थे, ठीक है, बहुत बुरी हालत हो गई थी लोगों की, तो थोड़ा सा इसमें आपके एडिबल भी फॉर्म है, कुछ आपके इनएडिबल फॉर्म भी है, पॉइजनस फॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं, माइसीलियम इसमें भी प्रेजेंट है, ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है, बाकी में अभी कोनिडिया है, सेक्स ऑर्गन इनमें नहीं है, लेकिन इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसके स्पोर को बेसिडियो कार्प से बेसिडियो स्पोर कहा जाता है, ठीक है, बेसिडियम से बेसिडियो कार्प से फ्रूटिंग बॉडी से आपके बेसिडियो स्पोर निकलते हैं, ठीक है, जो कि कैरियोगामी और मियोसिस इसी में होता है, जिससे 4 बेसिडियो स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, एग्जाम्पल एगेरिकस प्यूसिनिया यूस्टैलिगो, ठीक है, ये क्या है, प्यूसिनिया
एगारिकस यूस्टालिगो, आप किसको इसका निमोनिक पता है बताइए, किसको इसका निमोनिक पता है? हाँ मैं भूल गया, अब भूल जाओगे, अब मैं पूछ रही हूँ तो भूल गए। हाँ यूपीए कौन सा है, यूपीआई होता तो भी याद हो जाता। कैट अगले वाले का है, ड्यूट्रोमाइसिटीज का कैट है। देखो तो तुम पहले बार बाद वाला पहले बता दो। यस वेरी गुड अप्पू, अप्पू हाथी सुना है ना? यस अप्पू हाथी, उसका डबल पी था तो अगैरिकस प्यूसिनिया यूस्टेलागो। ये आपके तीन एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज की। पाऊ क्या होता है भाई, पौआ दे रहे हो तुम, पाऊ। ठीक है चलिए। हाँ मोगली में सुने हो, सेप्टा मतलब बेटा डिवीजन। ठीक है देखो जैसे आपका ये लंबा सा कोई चीज है, इसमें अगर ऐसे आप बैरियर लगा दो तो ये सेप्टा हो गया, ऐसे गन्ने में होता है। ठीक है सेप्टा, ठीक है बैरियर एक तरह से कह सकते। अरे दिल्ली में भी इतना फेमस अप्पू घर है, अब तो बंद हो गया शायद। हाँ जंगल जंगल क्या है, तुमने बचपन में क्या की हो, मस्ती नहीं की हो, नहीं देखे हो जंग मोगली उगली? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अप्पू हाथी बहुत फेमस है बच्चा। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे मिस हो रही है, डाई कैरियन स्टेज। ठीक है दो ऐसे आपके फंगी हैं जहाँ पे ये डाई कैरियन स्टेज देखने को मिलती है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दो गैमेट आपके फ्यूज होते हैं ताकि जाइगोट का फॉर्मेशन करें एंड फर्दर आपके, ठीक है डिप्लॉयड कंडीशन ले आए। लेकिन एक स्टेज आती है कुछ फंगी में जिसमें दोनों आपके सेल तो मिक्स हो जाते हैं, उनका साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग तो हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस आपके फ्यूज नहीं करते हैं। ऐसी स्टेज को हम डाई कैरियन स्टेज कहते हैं। ठीक है ऐसी स्टेज को हम डाई कैरियन स्टेज कहते हैं। कुछ फंगी जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज जिसमें सेप्टा भी है, जिसमें आपके ब्रांचिंग में इन दोनों के अंदर ये डाई कैरियोट स्टेज आता है जहां पे एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, दोनों हैप्लॉयड फ्यूज नहीं करते, ऐसी स्टेज को डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। कुछ समय के बाद इनका फ्यूजन हो जाता है लेकिन एक ऐसे स्टेज तक ये स्टैटिक रहते हैं जो डाइकैरियन स्टेज के नाम से आपके पॉपुलर है। ठीक है ड्यूट्रोमाइसिटीज, इन परफेक्ट फंगी सबसे फेमस इसी नाम से है, इन परफेक्ट फंगी। ठीक है इन परफेक्ट फंगी, ठीक है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, केवल ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई दे आर इम्परफेक्ट फंगी। ठीक है रिप्रोडक्शन इनका कोनिडिया के थ्रू होता है जो कि आपके एस्कोमाइसिटीज में भी देखा था हमने, माइसिलियम इनका भी सेप्टेट और ब्रांच्ड है। ठीक है और ये सैप्रोफाइट्स होते हैं इसीलिए मिनरल रिसाइकलिंग में इनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। तो एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का यहां से भी आया हुआ है कि विच फंगी इज इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल रिसाइकलिंग, दैट इज योर ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन आ चुका है। अब इनका ऑप्शन, इनका जो निमोनिक है वो है कैट। अब कैट माने बिल्ली होता है पता है ना, सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली वही। तो सी इज कोलियोट्राइकम, एल्टरनेटिया और फिर ट्राइकोडर्मा। ठीक है कोलियोट्राइकम, एल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, इज इट क्लियर? ये अलग अलग आपके निमोनिक्स है जिसको आपको नोट करना है, जो नहीं नोट किए हैं फिर मत बोलना मेरे को। हाँ म्याओ म्याओ चलो। तुम लोग अभी भीम, छोटा भीम डिस्कस कर रहे हो, रहोगे तुम लोग ढोलू भोलू ही? हाँ कभी भीम मत बनना, ढोलू भोलू बन के घूमते रहना बस, कालिया भी बन जाओगे तो बहुत बड़ी बात है, ताकत तो आएगी। हाँ बैठ के छोटा भीम डिस्कस हो रहा है, यही छोटा भीम की क्लास चल रही है यहाँ पे। आपको क्या लगता है मैम कोई कार्टून नहीं देख सकती? मैम क्या क्या कौन कौन से कार्टून देखे, शायद आपने देखे भी नहीं होंगे। मैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस क्या नहीं देखी है मैम ने, मुझे बहुत पसंद है।
शिनचैन इज माय फेवरेट. इतना इरिटेटिंग बच्चा, उससे मुझे आइडियाज मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे आपको भी तंग करेंगे ना कभी सामने रहोगे तो जरूर तंग करूंगी. आ जाओ, किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. बस एक छोटा सा जिस्ट दे रही हूँ इनका. मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोट होते हैं. इनके पास प्रॉपर सेल वॉल होता है जो सेल्यूलोज से बना होगा. कुछ आपके पार्शली हेटरोट्रॉप्स होते हैं या इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, ठीक है. इनकी लाइफ साइकिल दो पार्ट में डिवाइडेड है, हाइप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, ठीक है. अगेन इनमें हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक दो लाइफ साइकिल, दो पार्ट होता है, दो फेज होता है इनके लाइफ साइकिल में, इसलिए इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखा जाता है. कभी हैप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक बन जाते हैं, फिर डिप्लॉन्टिक से हैप्लॉन्टिक, डिपेंडिंग अपॉन क्या उनमें डोमिनेट कर रहा है. एनिमल किंगडम फर्दर डिवाइडेड है आपके, ठीक है. कल हम इसके बारे में बात करेंगे. एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के फॉर्म में, ठीक है. फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, ये सब क्या होते हैं कल हम डिस्कस करेंगे. ये एनिमल किंगडम में हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना नहीं बना सकते. यूकैरियोट मल्टी सेलर होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म है ये, इनमें कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक है. डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न है, इनका शेप और साइज इंक्रीज करता है बट अप टू ए सर्टेन एज, ठीक है. इनके पास आपके एडवांस सेंसरी एंड मोटर मैकेनिज्म होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉपुलेशन से, अगेन वी विल टॉक अबाउट इट इन एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. बहुत सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए एनिमल किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख के, ट्रू सिलोम देख के, ठीक है. कैसा उनका डिवीजन है, कैसा सिमेट्री है बॉडी का, ठीक है. कितनी जर्म लेयर इन्वॉल्व है, ठीक है. उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ये सारी चीजों को देख के एनिमल किंगडम को फर्दर अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया गया है. हाँ अभी वायरस बाकी है. नेम वायरस, वायरस वर्ड दिया था डीजे इवन सोकी ने, ध्यान रखना इनका नाम पूछता है, ठीक है. इवन सोकी और टीओ डीनर में आप बहुत कंफ्यूज होते हो. टीओ डीनर ने वायरस, क्या हो रहा है ये, एक बारी पूरा निमोनिक बताओ एग्जाम्पल का. ओहो अभी तक आप क्या कर रहे थे बेटा बताइए. चलो एंड में एक बार बता देंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है. वायरॉइड को टीओ डीनर ने ढूंढा था, वायरस को डीजे इवन सोकी ने आपके डिस्कवर किया था, ठीक है. इन्होंने टोबैको मोजैक वायरस में इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है. इट इज नॉट माइकोप्लाज्मा, जो बैक्टीरिया से भी छोटा, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जा रहा है, ठीक है. बैक्टीरिया से निकल, आपके बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जा रहा है, ठीक है. बिजरनेक ने डेमोन्स्ट्रेट किया इनको आपके एक्सट्रैक्ट करके टीएमवी वायरस से, ठीक है. टीएमवी वायरस को एक्सट्रैक्ट किया इन्होंने टोबैको प्लांट से, और ये दिखाया कि अगर इसको हेल्दी प्लांट में डाल दिया तो ये वहां पे भी डिजीज कॉज कर देगा. तो इसका नाम इन्होंने रखा कॉन्टैजियम विवम फ्लुइडम, ठीक है. कॉन्टैजियम विवम फ्लुइडम, ठीक है. चल स्टैनली ने पहली बार टीएमवी वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, जिसके लिए इनको नोबल प्राइज भी दिया गया. कि अभी तक सिर्फ पहचाना गया था, इनके बारे में समझा गया था, लेकिन इनको क्रिस्टलाइज करके निकाल नहीं पाया था कोई, ठीक है. इनको पूरी तरह से क्रिस्टलाइज करके फर्स्ट टाइम स्टैनली ने निकाला था, ठीक है. वायरस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वायरस जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं. पहली चीज तो इनमें कोई सेल नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म का दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक है. सब माइक्रोस्कोपिक है, नॉन सेलुलर है. इनका जो साइज है 200 नैनोमीटर के बराबर होता है, इतने छोटे होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बिना होस्ट के जी नहीं सकते. इनके पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, एक इनके पास कोई ना कोई आपके किसी ना किसी तरह का क्या प्रेजेंट रहेगा, आपके न्यूक्लियाइक एसिड प्रेजेंट रहता है. कंटेन्स न्यूक्लियाइक एसिड कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम ऑफ होस्ट सेल. तो
तो वायरस के खिलाफ मेडिसिन जल्दी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियक एसिड तो है, लेकिन न्यूक्लियक एसिड से जो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे उसके लिए होस्ट का ही राइबोसोम यूज करते हैं। तो बेसिकली अपनी मशीन और होस्ट की मशीन को कंबाइन करके तब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो अगर कोई दवा ऐसी बनाई गई जो इनको अफेक्ट करेगी, वो होस्ट के भी शरीर को अफेक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके पास आरएनए या डीएनए में से एक न्यूक्लिक एसिड होती है, दोनों नहीं हो सकती, कोई एक होगी। बाहर में इनके प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं और जिसकी यूनिट को कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं। प्लांट वायरस की बात करें तो जनरली ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते, बट कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जेमिनी वायरस जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना अगेन, ठीक है, अगेन एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और जेमिनी वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड है। वैसे ही एनिमल वायरस की बात करें तो वहां पे जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, कुछ में आरएनए भी होते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है प्रोटीन के, इसको कैप्सिड कहते हैं, जिसकी यूनिट को कैप्सोमियर बुलाते हैं। सेंट्रल कोर और आपके कैप्सिड को मिला के न्यूक्लियो कैप्सिड के नाम से जाना जाता है वायरस के स्ट्रक्चर को। ठीक है, आ जाओ। वायरस बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मम्स, एड्स, रेबीज, पोलियो, हेपेटाइटिस, कोविड, ये सारे डिजीज जो हैं वो वायरस के थ्रू कॉज होते हैं। एड्स आपकी ह्यूमन में होता है, ठीक है, बहुत ही डेडली वायरस है। प्लांट में अगर वायरस अटैक होता तो उनमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिजीज देखी जाती है, जैसे मोजैक फॉर्मेशन, रीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये सारी चीजें चेंजेस देखे जाते हैं आपके प्लांट्स के अंदर। टीएमवी वायरस में कैसा वायरस, कैसा डीएनए, कैसा न्यूक्लिक एसिड होता है टीएमवी के अंदर? विच टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट? क्योंकि मैं देख रही हूँ बिल्कुल खोए हुए हो सब लोग। कैसा होता है बच्चों? कैसा होता है जल्दी बताओ टीएमवी के अंदर? यस, आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, वेरी गुड। ठीक है, टीएमवी पे क्वेश्चन आया हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। ये प्लांट वायरस है ना, और प्लांट वायरस जनरली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है वायरॉइड। वायरॉइड को डिस्कवर किया था टीओ डीनर ने 1971 में। ठीक है, इन्होंने देखा कि भाई वायरस के अलावा भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट है जो वायरस से भी छोटा है और डिजीज कॉज कर रहा है भाई। अब वो बड़े उसमें पड़ गए, प्रॉब्लम में, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए कि ऑलरेडी वायरस ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, अब ये क्या नया स्ट्रक्चर आ गया। तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था एक डिजीज से, ठीक है, उस डिजीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये क्वेश्चन वायरॉइड से आता है, अगेन पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में इन्होंने इसको नोटिस किया, देखा ये ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे आपके कोई आपका एजेंट है जो कि जिसमें आपके प्रोटीन की लेयर नहीं है, प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, बट दे हैव ए न्यूक्लियक एसिड। और न्यूक्लियक एसिड भी कौन सा है? लो मॉलिकुलर वेट वाला आरएनए, यानी डीएनए नहीं है इसके पास, इसके पास सिर्फ लो मॉलिकुलर वेट वाला आरएनए है, ठीक है, और इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता है, ऐसा इन्होंने देखा वायरॉइड के अंदर। और ये किसमें देखा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में। इसके बाद एक और ऑर्गेनिज्म आया जिसको हम प्रियॉन्स कहते हैं। प्रियॉन्स का साइज एक्चुअली वायरस के बराबर है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बिल्कुल वायरस से डिफरेंट है। यहाँ पे एज सच आप कोई आपके न्यूक्लियक एसिड पर्टिकुलर नहीं है, कोई पर्टिकुलर आप ऐसी चीज नहीं देखते, ये प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है, प्रियॉन्स जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। और जिस भी ऑर्गेनिज्म में इंफेक्शन करते हैं उनके प्रोटीन को एबनॉर्मली फोल्ड कर देते हैं, जिससे वो डिजीज कॉज करने में सक्षम हो जाते हैं। तो प्री से प्रियॉन, प्री से प्रोटीन याद रखना है। किसमें इनको देखा गया था? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बीएससी में, जिसको हम मैड काउ डिजीज कहते हैं कैटल में, ठीक है।
इसके अलावा एक और डिजीज ये कॉज करती है ह्यूमन में, ठीक है, आपके देखा गया था सीजेडी डिजीज, जेकब्स डिजीज इन ह्यूमन, जो कि इनको बाद में नोटिस किया गया था, इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। प्रियॉन्स और ऑल्सो नोन एज कुरू डिजीज, कुरू डिजीज क्यों कहलाते हैं ह्यूमन में, क्योंकि लाफिंग डिजीज कॉज करते हैं, लाफिंग हंसते हंसते मौत हो जाती है। ठीक है, आप सुन के तो तुमको हंसी आ रही होगी, लेकिन सब वेरी कहेंगे डेडली डिजीज, इंसान मतलब वंस इट इज इन्फेक्टेड उनको पता नहीं लगता, इवेंचुअली दे डाई। ठीक है, और स्क्रेपी डिजीज आपके शीप में कॉज करता है। यस, नेक्स्ट टॉपिक है लाइकन्स। लाइकन्स दोस्ती है किसकी, माइकोबाइंट एंड फाइकोबाइंट की, माइकोबाइंट एंड फाइकोबाइंट यानी कि आपके एल्गी और फंगस के दोस्ती की, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। लाइकन वर्ड पहली बार थियोफ्रेटस ने डिस्कवर किया था, ठीक है, पहली बार दिया था। स्टडी ऑफ लाइकन को लाइकनोलॉजी कहते हैं, और एरिक कैरिकस आपके फादर ऑफ लाइकनोलॉजी बुलाए जाते हैं। लाइकेन आपके एल्गी फाइकोबाइंट और आपके फंगस माइकोबाइंट के एसोसिएशन को कहा जाता है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं जी पा रहे हैं। एल्गी का काम क्या है, एल्गी फोटोसिंथेटिक होता है, तो ये क्या करता है, खाना बनाता है, ठीक है, रसोई संभालता है, और फंगस क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है कि भैया मैं खाना नहीं बना सकता, मुझे खाना खिला दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है हमारे एल्गी को। ठीक है, एल्गी खाना बना के फंगी को देता है, और फंगी बदले में उसको शेल्टर देता है, सपोर्ट देता है, मिनरल और वाटर उन तक पहुंचाता है ताकि वो खाना बना पाए अपना। ठीक है, इस तरह से दोनों साथ साथ हंसी खुशी रहते हैं। ठीक है, लेकिन लाइकन्स की तादाद वहां कम हो जाती है जहां पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन जहां बढ़ा वहां लाइकन्स की तादाद कम हो जाती है, तो लाइकन एक तरह के पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ठीक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है, किस तरह के पॉल्यूशन के, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इंडिकेटर, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ा लाइकेंस की मात्रा कम हो जाती है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में भी ये देखा गया था। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लाइकन में जो थैलस दिखता है वो फंगल कंपोनेंट होता है, वही क्लियरली दिख रहा रहता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लाइकन्स की, फूड और फॉडर के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, क्लेडोनिया रैंगनी फेरिना, ये आपको आएगा नहीं। ठीक है, रॉक फ्लावर, डाई का सोर्स है लिटमस पेपर जो बनता है आपके केमिस्ट्री लैब का, वो भी आपके लाइकन से बनता है। इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड पॉपुलेशन के लिए, पॉल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव है। इसके अलावा सोर्स ऑफ मेडिसिन बनते हैं, अर्शनिक एसिड यूशनिया और क्लेडोनिया से निकलता है, जो कि आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का काम करते हैं। ठीक है, यूशनिया जो है फॉरेस्ट फायर भी लगाने में बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल नेचर की होती है। ठीक है, ये सारे आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है लाइकन्स के। इज इट क्लियर? चलो आओ सवाल करेंगे, क्वेश्चन करें। हाँ, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, मैं बात सही है। हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैंने भगा दिया ना, मैंने कहाँ रोका, मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ना, चलो निकलो यहाँ से, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है बच्चों को, भगा तो दिया भाई, अब कैसे भगाएं, मारें क्या उसको। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डज नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज डी, एनिमेलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बिना मेम्ब्रेन के जी रहा है वो बेचारा, तुम्हारे अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, हो सकता है, तुम लग रहे हो हमको थोड़ा सा एक्सेप्शन केस, सही बोल रहे हो बेटा, इट इज मोनेरा। बैक्टीरिया दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग्स आर कॉल्ड,
बैक्टीरिया दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग्स आर कॉल्ड, दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग्स दे आर नोन एज थर्मो एसिडोफाइल्स. रेड टाइड्स इन सी अपियर ड्यू टू, रेड टाइड्स इन सी अपियर ड्यू टू, कौन लाता है रेड टाइड्स? इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स होते हैं. दो फ्लैजिला होता है, ठीक है, फ्लैजिला दो होते हैं, पिगमेंट अलग अलग होते हैं. रेड पिगमेंट बढ़ जाएगा तो रेड टाइड आता है. एग्जाम्पल गॉन्यूलेक्स, इट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स. गॉन्यूलेक्स, अरे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी. चलो, ट्राइपनोसोमा कॉजेज, ट्राइपनोसोमा कॉजेज इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस. यस, स्लीपिंग सिकनेस. सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स का फीचर है ये. The main criteria for classification used by Whittaker are. क्लास में बताओ, अजीब अजीब से प्राणी घुस रहे हैं. अब ड्रैकुला घुस गया है क्लास में, हद है. इतनी स्पीशीज तो एक्चुअली डिस्कवर नहीं हुई जितनी स्पीशीज आ गई हैं. इट इज ऑल ऑफ दीज, सारे ही आपके लिए थे उन्होंने. सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन. लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट एंड मल्टीसेलर यूकैरियोट. इट इज प्रोटिस्टा, ठीक है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ये कनेक्टिंग लिंक बनते हैं. जीन्स ऑफ TMVR, ये मैंने अभी बताया है. नहीं बताओगे तो पिटाई पड़ेगी, सबको पिटाई पड़ेगी. अब मैं देख रही हूँ आंसर. TMVR में कैसे न्यूक्लियाइक एसिड होता है, कैसा जीन्स होता है? दो सुन रहे थे क्या सब लोग? इट इज सिंगल स्टैंडर्ड RNA. वेरी गुड. चलो, आंसर स्लो जा रहा है. चलो कोई नहीं. चूज द करेक्ट पेयर, चूज द करेक्ट पेयर. चूज द करेक्ट पेयर. सही से ऑप्शन पढ़ो, पिटाई हो गया. नाइन्थ क्वेश्चन तो मैंने अभी पूछा भी नहीं है. हम उसका नाइन्थ बता रहे हो आप? इट इज ऑल ऑफ द अबव, सारे ही सही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन. इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन इट इज लाइकन्स. लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय. इट इज वायरॉइड्स. किसने डिस्कवर किया था वायरॉइड, जल्दी बताओ, किसने डिस्कवर किया था वायरॉइड को? जल्दी एक क्वेश्चन और फटाफट से. टीओ राइडर क्या होता है? हाँ, टीओ डीनर है, टीओ राइडर नहीं है बेटा. बेचारे क्या सोचेंगे अपने नाम का, तो उन्होंने क्या ही कर दिया तुम उनके नाम का.
टियो डीनर, डीजे इवन स्वोकी वायरस डिस्कवर किए थे, ठीक है, डीजे इवन स्वोकी जो भी इनका नाम है वो आपके वायरस डिस्कवर किए थे। चलो, और आपके लिए 90 डेज का क्रैश कोर्स ऑन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आ गया है, ठीक है, जो कि 4,999 रुपीज का है, लेकिन ऑन यूजिंग द कोड साक्षी 100 इस पे आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड माई पर्सनल गाइडेंस यू विल गेट। 20 जनवरी से शुरू हो रहा है, 90 डेज में फुल सिलेबस कंप्लीट करा जाएंगे, डाउट सॉल्विंग होगा, 7th आपके टेस्ट होंगे जिसमें 2 मेजर मॉक टेस्ट है। ये सारा चीज आपको सिर्फ 4,499 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। बाकी बच्चों, नीट का क्रैश कोर्स आपका बैच स्टार्ट 20th से है, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस बैच में मैं भी पढ़ा रही हूँ, तो आपको बहुत सारे चैप्टर मुझसे पढ़ने को मिलेंगे, अलग अलग एजुकेटर से पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। गरिमा मैम है, गार्गी मैम है, और रितु मैम है, सारे सीप मैम है, सब लोग पढ़ा रहा है, ठीक है। और बच्चों, PYQ मेस्ट्रो आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनरोल करना है विद द कोड साक्षी 100, जिसमें आपको PYQ टेस्ट सीरीज के फॉर्म में दिए जा रहे हैं। एंड बच्चों, अनअकैडमी का सेंटर अब विजयवाड़ा और अहमदाबाद में भी ओपन हो रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ऑफलाइन, यहाँ पे भी बहुत जल्द सेंटर ओपन होने वाला है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन हिट पे कर दें, हिट कर देंगे, लाइक एंड शेयर दिस सेशन, एंड PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। मेरा नाम याद रखना है, डॉक्टर साक्षी वरनवाल, एंड यू विल गेट ऑल द PDFs एंड एवरीथिंग ओवर देयर, ठीक है, बस वहां पे ढूंढ लेना। हाँ, कल प्लांट किंगडम कराएंगे, लेकिन अगर ऐसी अटेंडेंस रही, अटेंडेंस गिर रही है, एक दिन के बाद अटेंडेंस गायब, अगर अटेंडेंस गिर रही है तो भाई मैं फर्स्ट यूनिट के बाद रोक दूंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है कितना ज्यादा एफर्ट लगता है पढ़ाने में, राइट, ठीक है। तो कल से अटेंडेंस बढ़ानी है सबको, सारे सब फ्रेंड्स को नोटिफाई करना है, सबको आना है, ठीक है। मुझे बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सही टाइम अब लगाया है, 3 o'clock आप सब फ्री रहते हैं, क्लास ही सुननी रहती है अब आपको, ठीक है। चलिए, चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, और मिलेंगे कल आप सुबह 9:30 बजे। आपका नया चैप्टर शुरू हो गया प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज था, दैट वॉज मिनरल न्यूट्रिशन, और 3 बजे आपका ये सेशन होगा, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरी वन, हैव अ ग्रेट डे।